हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल डिकोडर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बार बेंडिंग शेड्यूल स्लैब का। इससे पहले मैंने तीन वीडियोस और बनाई हुई हैं बार बेंडिंग शेड्यूल पे, जिसमें मैंने पहले वीडियोस में कुछ बेसिक्स को क्लियर किया बीबीएस से रिलेटेड। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने कॉलम का बीबीएस बनाया था एंड थर्ड वीडियो में हमने बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने सीखा था। ये मेरा फोर्थ वीडियो बार बेंडिंग शेड्यूल का, तो इसमें हम स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने है एक स्लैब जो कि किसी भी घर के ऊपर या किसी भी बिल्डिंग के ऊपर का हो सकता है। स्लैब छत है ये, इसकी हमें बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करनी है। यहाँ पे हमारे पास दो स्लैब है, स्लैब S1 एंड स्लैब S2। इन दोनों की हम टोटल बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे कि इसमें टोटल रेनफोर्समेंट कितना लग रहा है, टोटल वेट उसकी कितनी आ रही है। तो अभी हम इस डायग्राम की मदद से, इस ड्रॉइंग की मदद से, या ऑटोकैड की ड्रॉइंग है, इसकी मदद से हम इसमें जो भी डायमेंशनिंग दी हुई है उसे नोट डाउन कर लेंगे, ताकि जो हमें बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में आगे काफी यूज है। तो इससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है कि स्लैब S1 जो है हमारा, उसकी लेंथ लेंथ यानी कि जो हमारा लॉन्गर पोर्शन है, लॉन्गर डायरेक्शन में है, उससे उसका हम लेंथ मानेंगे। तो ये हमारा जो ये पोर्शन जो है, ये हमारा इसका टोटल लेंथ है। लेंथ हमारा यहाँ पे है 4.260। और हमारा जो विड्थ है यहाँ पे दिया हुआ स्लैब S1 का, ये हमारा शॉर्टर डायरेक्शन में होता है। तो शॉर्टर डायरेक्शन में इसका जो डिस्टेंस है वो है 2.485। इसी तरह से हम स्लैब S2 का देख लेते हैं। स्लैब S2 का जो हमारा लेंथ है लॉन्गर डायरेक्शन में, वो है हमारा 4.260 एंड विड्थ शॉर्टर डायरेक्शन में 2.485। यानी कि ये जो हमारा स्लैब S1 है और S2 है, बाय डायमेंशन बिल्कुल सेम है। तो अब चलिए इसका एक एक करके हम स्पेसिंग देखते हैं। तो स्पेसिंग के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे, इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में हमें जो है स्लैब की मार्किंग दी हुई है, स्लैब S1 और स्लैब S2 की। इसमें लिखा हुआ है बॉटम रेनफोर्समेंट और टॉप रेनफोर्समेंट, यानी कि जो हम स्लैब पे सरिया या रेनफोर्समेंट बांधेंगे उसके बॉटम जो रेनफोर्समेंट दी है शॉर्ट डायरेक्शन में, वो S1 के लिए है 8 mm डाया का बार एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। और लॉन्ग डायरेक्शन में जो हमारा बार का स्पेसिंग दिया हुआ है 8 डाया एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर। सेम वैसे टॉप, अगर टॉप में जो रेनफोर्समेंट है 8 at the rate 150 सेंटर टू सेंटर एंड 8 at the rate 200 सेंटर टू सेंटर। उसी प्रकार S2 का 175 और 200 हमारा बॉटम के लिए है, और टॉप के लिए हमारा शॉर्ट में 175 और लॉन्ग के लिए 200 सेंटीमीटर, और जो हमारा स्लैब की थिकनेस है वो 150 mm है। तो ये सारी चीजें आप इन्फॉर्मेशन को याद रखें या कहीं नोट डाउन कर लें, ताकि हमें जब आगे बार बेंडिंग शीट प्रिपेयर करें तो उसमें काफी ईजी होगा। ये हमारे पास है टिपिकल प्लान ऑफ स्लैब रेनफोर्समेंट डिटेल्स, यानी कि एक प्लान है जिसके जरिए हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो हमारा स्लैब पे रेनफोर्समेंट है वो किस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से बिछाना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि जो एट एंड ऑफ द स्लैब, ये जो हमारी बीम है ये एंड बीम है, तो यहाँ पे हमारा स्लैब खत्म हो जा रहा था। ऐसे केस में हमारा जो शॉर्ट डायरेक्शन का रेनफोर्समेंट होगा वो कैसे होगा? तो जो हमारा शॉर्ट डायरेक्शन का रेनफोर्समेंट होगा एट द एंड ऑफ स्लैब, तो जो हमारा मेन बार होगा वो तो पूरा एज टू एज है, यानी सेंटर ऑफ बीम टू सेंटर ऑफ बीम तक हमारा मेन बार होगा। बट जो कर्टेल बार है वो एट द एंड ऑफ स्लैब से, यानी कि सेंटर से, इसके बीम के सेंटर से 0.15L छोटा होगा। अगर ये एंड बीम है तो एंड पोर्शन से 0.15L छोटा होगा, 0.15L ये शॉर्टर होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कंटिन्यूअस स्लैब की, अगर हमारा स्लैब कंटिन्यूअस है शॉर्टर डायरेक्शन में, तो वहां से हमारा 0.25L होता है। तो कंटिन्यूअस डायरेक्शन में 0.25L छोड़कर चलेंगे। तो ये हमारी होगी बॉटम रेनफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन की बात। उसी तरह से अगर हम देखें लॉन्ग डायरेक्शन एट द बॉटम रेनफोर्समेंट, तो अगर ये कंटिन्यूअस है, स्लैब कंटिन्यूअस है, सपोज इधर भी स्लैब है आपका, इस साइड में भी स्लैब है, स्लैब आपका कंटिन्यूअस है, तो हम 0.25L और 0.25L का टेल बार
लेते हैं, दोनों साइड से छोड़ करके कटेल बार को लेते हैं, और जो मेन बार होता है लॉन्ग डायरेक्शन में वो सेंटर ऑफ बीम टू सेंटर ऑफ बीम तक होता है बॉटम में। तो आपने समझ लिया कि जब भी हमारा एंड पोर्शन आएगा बॉटम में, चाहे वो लॉन्ग डायरेक्शन में चाहे शॉर्ट डायरेक्शन में, तो वहां हम 0.15 ऑफ एल लेंगे। एल हमारे यहाँ ये टोटल डिस्टेंस है स्लैब की, और अगर हमारा स्लैब कंटिन्यूअस हो रहा है तो हम वहां 0.25 ऑफ एल और 0.25 ऑफ एल लेके चलते हैं। बट इन केस क्या होता है कि जब हम टॉप रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो टॉप रेनफोर्समेंट में हम लेके चलते हैं 0.1 एल एंड बीम के लिए, या जहां पे हमारा स्लैब खत्म हो रहा है तो टॉप रेनफोर्समेंट आप देख सकते हैं यहां दिखाया हुआ है। तो सेंटर ऑफ बीम से लेकर के 0.1 ऑफ ये एल जो हमारा स्लैब का डायमेंशन है, तो 0.1 ऑफ एल लेंगे तो हमारे ये टॉप रेनफोर्समेंट हो जाएगा। तो 0.1 ऑफ एल ये हमारे यहां से यहां तो हो गया, प्लस हाफ थिकनेस ऑफ द बीम, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉप बार का शॉर्ट डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार का होगा। तो अगर इन केस लॉन्ग डायरेक्शन में भी आपका अगर एंड बीम है तो हम टॉप का रेनफोर्समेंट 0.1 एल ही लेके चलते हैं। बट इस केस में क्या होता है, जब हमारा किसी भी इंटरमीडिएट बीम के दोनों साइड में स्लैब होते हैं, इस केस में हमें क्या होता है कि 0.15 एल ऑफ दिस स्लैब, अगर इधर कोई स्लैब है तो उस स्लैब का 0.15 एल इधर बिछाते हैं, फिर उस सरिये का लेंथ यहां तक एक्सटेंड करते हैं ताकि वो पूरा बीम कवर हो जाए, और 0.3 ऑफ एल हम इस साइड बिछाते हैं। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड सरिया आएगा, जो सेकंड रेनफोर्समेंट आएगी, उस केस में हम क्या करेंगे कि 0.3 ऑफ एल हम इस साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी ये थिकनेस ऑफ बीम प्लस 0.15 ऑफ एल हम इस साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमारा ये बीम पूरा लंबा है तो इसी प्रकार से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इंटरमीडिएट बीम्स में, एक साइड 0.15 फिर 0.3 फिर इधर 0.15 तो उधर 0.3, इस तरह से अल्टरनेट हमारा किसी भी दोनों स्लैब के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आगे हम एग्जांपल में देखेंगे कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो चलिए फटाफट अपना बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लैब S1 की बात करेंगे, तो स्लैब S1 के लिए हम बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे। तो S1 के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बॉटम शॉर्ट डायरेक्शन, बॉटम शॉर्ट। तो बॉटम शॉर्ट डायरेक्शन में जो भी हमारा रेनफोर्समेंट है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो बॉटम शॉर्ट रेनफोर्समेंट S1 के लिए हमारा क्या दिया हुआ है, 8@150 सेंटर टू सेंटर। तो पहले हम इसकी स्पेसिंग निकाल लेते हैं, स्पेसिंग से हमें क्या पता चलेगा नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने लग रहे हैं शॉर्ट डायरेक्शन में। तो नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। तो टोटल लेंथ हमारा कितना है शॉर्ट डायरेक्शन में, 4260, यहां से लेकर के हमारे यहां तक की जो डायरेक्शन जो स्लैब का थिक वेविड था वो हमारा 4260 है। तो 4260 when divided by 150, it gives approximately 29 bars. तो हमारे 29 बार जो है ये हमारे शॉर्ट डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बट इसमें हमारे दोनों इंक्लूड है, मेन बार भी और कर्टेल बार भी। तो हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार करते हैं कि मेन बार जो है वो हमारा होगा 15 और जो हमारा कर्टेल्ड बार आएगा वो हमारा आएगा 14, तो दोनों का सम हमारा हो जाएगा 29। अब हमारी बात आती है शॉर्ट डायरेक्शन में जो बॉटम में बार है उसकी डायमेंशनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले मेन बार की देख लेते हैं, तो हमारे मेन बार का लेंथ कितना होगा, तो मेन बार का लेंथ देखते हैं। तो मेन बार हमारा हो गया शॉर्ट डायरेक्शन में ये जो ब्लू कलर से इंडिकेट किया हुआ ये हमारा शॉर्ट डायरेक्शन का मेन बार है, और ग्रीन कलर से इंडिकेट किया हुआ हमारा कटेल्ड बार है। तो यहां हम क्या करेंगे कि मेन बार के डायमेंशन को देखेंगे कि मेन बार का डायमेंशन क्या है। मेन बार का डायमेंशन हाफ इस बीम पे आया हुआ है, हाफ इस बीम पे आया हुआ है, बाकी बचा हुआ पोर्शन जो है हमारा वो स्लैब का है। तो ये हमारा जो बीम का थिकनेस कितना दिया, 230 mm, और इस बीम का भी थिकनेस 230 mm ही है। तो हम हाफ ऑफ 230 mm इधर प्लस जो स्लैब का डायमेंशन है प्लस हाफ इधर, तो हमारा मेन बार का टोटल लेंथ निकल के आ जाएगा। तो वो हमारा आएगा 0.115 प्लस 2.485 प्लस 0.115, तो ये हमारा टोटल जो डायमेंशन निकल के आएगा वो आएगा 2.715 मीटर्स। तो जब हमारा टोटल मेन बार का वेट लेंथ निकल गया तो हम इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
वेट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ, लेंथ इज 2.715 इंटू नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स हमारे पास कितना है मेन बार 15, तो हम इंटू 15 कर देंगे तो हमारा टोटल वेट निकल कर आ जाएगा 15.88 किलोग्राम्स। उसी प्रकार हम कटेल्ड बार का निकाल लेते हैं, तो कटेल्ड का लेंथ पहले निकालते हैं। कटेल्ड का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि देख सकते हैं कि 2485 में से, क्योंकि एंड बीम है तो 0.15 इधर से और इधर ये हमारा स्लैब कंटिन्यूअस है तो 0.25 इधर से छोटा होगा, यानी 0.15 ऑफ 2485 इधर से छोटा होगा और 0.25 ऑफ 2485 हमारा इधर से छोटा होगा। तो आइए देखते हैं, तो टोटल डिस्टेंस निकालने हम क्या करेंगे, 2485 जो हमारा टोटल डायमेंशन स्लैब का, इसमें से 0.15 ऑफ 2485 माइनस कर देंगे इस जगह के लिए और इस साइड के लिए हम 0.25 माइनस कर देंगे, 0.25 ऑफ 2485, इसका भी हमें जो कटेल्ड बार का लेंथ है वो मिल जाएगा 1.490 मीटर्स। तो अब हम इसका भी वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, डी स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ इज 1.49 इंटू नंबर ऑफ बार्स ऑफ कटेल्ड इज 14, तो हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेट निकल के आ जाएगा 8.13 किलोग्राम्स। तो हमने बॉटम शॉर्ट डायरेक्शन का और बॉटम शॉर्ट डायरेक्शन का टोटल वेट हमने कैलकुलेट कर लिया, 15.88 केजी प्लस 8.13 केजी। अब ठीक उसी प्रकार से हम S1 का बॉटम का लॉन्ग डायरेक्शन का रेनफोर्समेंट निकालते हैं, नंबर टू। S1 का ही हम क्या निकालेंगे, बॉटम लॉन्ग, बॉटम लॉन्ग डायरेक्शन में हमारा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पेसिंग क्या दी हुई है बॉटम लॉन्ग की, टोटल नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने आएंगे। तो बॉटम रेनफोर्समेंट इन लॉन्ग डायरेक्शन की स्पेसिंग दी हुई है 200 सेंटर टू सेंटर, 8 डाया का बार है और यहाँ हमारा जो टोटल डिस्टेंस है लॉन्ग डायरेक्शन जो हमारा रेनफोर्समेंट बिछेगा उसके लिए 2485 है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए 2485 डिवाइडेड बाय 200, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 13 बार्स। तो टोटल 13 नंबर ऑफ बार्स हमारे बॉटम लॉन्ग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होना है, जिसमें से हमारा जो मेन बार है वो हो जाएगा 7 और जो हमारा कर्टेल्ड बार है वो हो जाएगा 6, दोनों का सम हमारा कितना आएगा 13 बार्स। मेन बार हमेशा एक एक्स्ट्रा रखते हैं कर्टेल्ड बार से, आप ये ध्यान रखें ताकि इस हिसाब से इसका जो टोटल सम है वो एडजस्ट हो जाए। तब उसके बाद हम मेन बार को निकाल लेते हैं, तो मेन बार की लेंथ कितनी होगी, तो मेन बार जो हमारा वो यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इसकी लेंथ क्या होगी, हाफ ऑफ दिस बीम प्लस हाफ ऑफ दिस बीम प्लस टोटल जो हमारा लेंथ है स्लैब का उसे हम एड ऑन करेंगे तो टोटल लेंथ हमें मिल जाएगा मेन बार का, तो वो हो जाएगा हमारा 0.15, यानी ये 300 का बीम है तो 0.15 इधर से और 300 बीम ये भी है तो 0.15 इधर से, 0.15 प्लस 4260 मीटर्स प्लस 0.15 मीटर्स, तो टोटल हमारा जो लेंथ आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.60 मीटर्स। तो हमारे पास मेन बार का लेंथ निकल गया तो हम इसके वेट भी इजीली निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 162, डी हमारा जो है हमारे यहाँ पे 8 है, 8 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ ऑफ बार इज 4.56 और नंबर ऑफ बार हमारा मेन बार कितना 7 इंटू 7, तो हमारा वेट निकल के 12.44 किलो ग्राम्स। अब इसी प्रकार से हम इसका कटेल्ड का देख लेते हैं, तो कटेल्ड का लेंथ हमारा कितना आएगा, कटेल्ड का लेंथ निकालेगा सेम वही प्रोसीजर है, क्योंकि ये दोनों साइड में एंड बीम है तो कटेल के लिए हम क्या करेंगे 0.15 इधर से माइनस करेंगे और 0.15 ऑफ एल इधर से माइनस करेंगे और एल हमारा आपको पता है 4260, इसके लिए हम क्या करेंगे टोटल 4260 में से हम 0.15 ऑफ एल इस साइड से माइनस करेंगे और 0.15 ऑफ एल दूसरे साइड से माइनस करेंगे, तो हमारा जो टोटल निकल के आएगा वो आएगा 2.982 मीटर्स। तो अब हम इसका वेट निकाल सकते हैं, वेट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू 2.98 मीटर्स, 982 मीटर्स इंटू नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने कटेल निकल के आए थे 6,
तो इंटू कर देंगे 6, तो टोटल वेट हमारा आ जाएगा 6.98 किलोग्राम। तो इस तरह से हमने बॉटम लॉन्ग डायरेक्शन में जो हमारा टोटल वेट निकल का है वो 12.44 प्लस कटेर का 6.98 किलोग्राम्स। तो हमने S1 का तो देख लिया, अब हमारी बारी है S2 की। उस लैब S2 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बॉटम रेनफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ बार्स निकाल लेते हैं, कितना बार्स हमें चाहिए शॉर्ट डायरेक्शन में S2 में। तो हम देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, 4260, और इसकी स्पेसिंग दी हुई है S2 की वो शॉर्ट डायरेक्शन में 175। तो हम क्या करेंगे, 4260 डिवाइडेड बाई 175, तो हमें टोटल मिल जाएगा 25 बार्स। तो इससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे मेन बार और कटेड बार में। तो मेन बार हमारा हो जाएगा 13 और कटेड बार हो जाएगा 12, दोनों का सम होगा 25 बार्स। मेन बार हमेशा कटेड बार से ज्यादा रखते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, मेन बार का लेंथ निकाल लेते हैं। तो मेन बार का लेंथ क्या होगा, हाफ ऑफ दिस बीम, ये जो मेन बार है हमारा इस बीम के हाफ तक और इस बीम के हाफ तक आया हुआ है, तो टोटल जो स्लैब की विड्थ है प्लस दोनों साइड का हाफ ऑफ द बीम ऐड कर देंगे तो हमारा मेन बार का लेंथ निकल जाएगा। तो दोनों साइड जो हमारे बीम है 230 की है, तो 115 mm इधर से और 115 mm इधर से हम ऐड ऑन कर देंगे, तो 0.115 meters प्लस 2.485 meters प्लस 0.115 meters, तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 2.715 meters। तो हमारा मेन बार का लेंथ निकल गया। अब हम इसकी वेट निकाल लेते हैं। वेट के लिए डी स्क्वायर यानी 8A² / 162, लेंथ इज 2.715 और नंबर ऑफ बार्स हमारे कितना है मेन बार 13, तो इंटू 13, तो हमारा टोटल वेट कितना निकल जाएगा, 13.76 किलोग्राम हमारा मेन बार का वेट आ गया। अब ऐसे ही हम कटेल बार का निकाल लेंगे। तो कटेल का हम लेंथ देखते हैं सबसे पहले। तो कटेल बार जो हमारा यहाँ है, ये ग्रीन में जो है हमारा कटेल बार है S2 का शॉर्ट डायरेक्शन में, तो क्योंकि इंटरमीडिएट बीम है तो यहाँ हमारा 0.25 ऑफ एल हम इधर से कम रखेंगे और इधर से हम क्या करेंगे 0.15 ऑफ एल कम रखेंगे क्योंकि ये हमारा एंड पोर्शन है। तो क्या करेंगे हम 2.485 meters में से 0.15 ऑफ 2485 इधर से और 0.25 ऑफ 2.485 इस साइड से, दोनों साइड से हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल जो बार का लेंथ निकल के आएगा वो आएगा 1.490 meters। लेंथ हमारे पास आ गया तो हम इसका वेट इजीली निकाल सकते हैं, 8A² / 162 इंटू लेंथ इज 1.49 meter इंटू नंबर ऑफ बार्स कितना है 12, तो इंटू 12 तो हमारा वेट निकल के आएगा 6.97 किलोग्राम्स। तो हमारा बॉटम शॉर्ट डायरेक्शन में S2 का टोटल वेट निकल के आएगा 13.76 + 6.97। तो हम क्या निकालेंगे, S2 का लॉन्ग डायरेक्शन यानी कि लॉन्ग डायरेक्शन में जो हमारा रेनफोर्समेंट है। तो इस सबसे पहले हम नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने नंबर ऑफ बार्स हमारे रिक्वायर्ड है लॉन्ग डायरेक्शन में। तो लॉन्ग डायरेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये इस डिस्टेंस पे होगा, तो ये हमारे जो बार है ब्राउन कलर में, ये हमारे लॉन्ग डायरेक्शन के बार है। तो इसे हम क्या करेंगे, 2485 ये टोटल डिस्टेंस है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे लॉन्ग बार को, डिवाइडेड बाई स्पेसिंग यानी कितना दिया हुआ है S2 के लिए हमारा 200, तो 2485 डिवाइडेड बाई 200 तो हमारे कितने आ गए 13 बार्स। फिर इसे हम मेन बार और कटेड बार में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो मेन बार मैंने आपको बताया कि कटेड बार से हमेशा एक ज्यादा रखते हैं, तो इसे हम रखेंगे 7 नंबर्स और इसे रखेंगे 6, तो हमारा टोटल 13 नंबर ऑफ बार्स मिल गया हमें। अब हम मेन बार का लेंथ देख लेते हैं। मेन बार का लेंथ कैसे निकालेंगे, मेन बार जो हमारा ये वॉयलेट है, मैंने आपको बताया सॉरी ये ब्राउन कलर का जो ये हमारा मेन बार है, ये हाफ ऑफ दिस बीम टू हाफ ऑफ दिस बीम पे डिस्ट्रीब्यूशन है लॉन्ग डायरेक्शन में। तो ये बीम भी हमारे 300 की, ये बीम भी हमारे 300 की, तो 0.15 मीटर इधर से और 0.15 मीटर इधर से, प्लस जो हमारे स्लैब की लेंथ है ये ऐड ऑन कर देंगे तो हमारा टोटल मेन बार का लेंथ निकल जाएगा। तो करते हैं 1.15 + 4.260 +
4.15 मीटर्स, तो हमारा लेंथ निकल कर आ जाएगा 4.56 मीटर। लेंथ हमारे पास आ गया, तो वेट निकाल लेते हैं। 8 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू लेंथ इज 4.56 एंड नंबर ऑफ मेन बार इज 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा वेट आ जाएगा 12.44 किलोग्राम्स। ये हमारा मेन बार का वेट आ गया। इसी प्रकार से हम कटेल बार का वेट निकाल लेते हैं। तो कटेल बार का वेट निकालने के पहले उसका लेंथ देखते हैं। लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो ग्रीन वाला है हमारा, सॉरी ये जो हमारा ये येलो वाला है, ये हमारा कटेल बार है लॉन्ग डायरेक्शन में, तो ये दोनों साइड एंड बीम है, इसलिए हम क्या करेंगे 0.15 इधर से और 0.15 इधर से हम माइनस कर देंगे। तो टोटल लेंथ हमारा है 4260 में से हम 0.15 एक डायरेक्शन से और 0.15 दूसरे डायरेक्शन से माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल लेंथ निकल के कितना आ जाएगा 2.982 मीटर्स। अब हम इसका वेट निकाल लेते हैं। 8 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू 2.982 इंटू टोटल नंबर ऑफ कटेड बार्स हमारे पास कितना, 6 इंटू 6, तो टोटल वेट हमारा आ जाएगा 6.98 किलोग्राम्स। तो हमारा लॉन्ग डायरेक्शन में स्लैब एच टू के लिए वेट आ गया 12.44 किलोग्राम्स प्लस 6.98 किलोग्राम्स। तो अब तक हमने जो है बॉटम रेनफोर्समेंट निकाल लिया स्लैब S1 और S2 का, अब बारी हमारे टॉप रेनफोर्समेंट निकालने के लिए स्लैब S1 और S2 की। तो सबसे पहले हम टॉप रेनफोर्समेंट निकालते हैं स्लैब S1 का। S1 टॉप रेनफोर्समेंट, तो टॉप रेनफोर्समेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार्स हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने हैं। तो शॉर्ट डायरेक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले शॉर्ट, तो नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने, तो शॉर्ट डायरेक्शन हमारा S1 के लिए ये हुआ, तो शॉर्ट डायरेक्शन में हमारे कितने नंबर ऑफ बार्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टॉप एनफोर्समेंट की बात करें तो शॉर्ट डायरेक्शन में 8 डाया के 150 mm सेंटर टू सेंटर पे हमारे बार्स डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके लिए डिस्टेंस कितना है 4260 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्पेसिंग, नंबर ऑफ स्पेसिंग जो हमारी दी हुई है वो 150 दी हुई है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ बार्स निकल कर आ जाएगा 29 बार्स। तो क्योंकि ये टोटल बार से इसमें कोई कटेलमेंट नहीं होती है टॉप बार में, तो हम इसे एक बार में ही निकाल सकते हैं। तो इसका हमें लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये टॉप बार है तो स्लैब में थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि एल इस शेप का बनाते हैं इस टॉप के बार को, तो इसमें ए जो है इसे हम ए नेमिंग देते हैं, इसे बी। तो ए जो है हमारा इस पर ड्रॉइंग में दिखाया था आपको कि ये 75 mm का है, तो 0.075 मीटर इसको हम कर देंगे। और बी हमारा क्या होगा, बी के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा डिस्टेंस टोटल दिया हुआ है इसमें से हम जो हमारा कवर है बीम का वो माइनस करेंगे, प्लस जो हमारा ये टोटल बीम का वेट था प्लस 0.1L ये हम लेके चलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, तो 230 का हमारा बीम है तो कवर माइनस कर देंगे तो 205 यानी कि 205 mm यानी 0.205 मीटर हमारा वो लेंथ आ गया, प्लस हम क्या करेंगे इसमें 0.1 ऑफ एल हम इसे ऐड कर देंगे, प्लस 0.1 ऑफ 2485, तो हमारा टोटल डिस्टेंस जो निकल के आएगा वो आएगा 0.528 मीटर्स। तो हमारा शॉर्ट डायरेक्शन का आ गया, तो हम इसका वेट निकाल सकते हैं इजीली। वेट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर अपॉन 162 इनटू लेंथ इज 0.528 मीटर्स, और इसके कितने पीसेज हैं हमारे पास 29, तो इसका वेट हमारा निकल के आ जाएगा 5.97 किलोग्राम्स, हमारा शॉर्ट डायरेक्शन में आ गया। अब टॉप रेनफोर्समेंट हम लॉन्ग डायरेक्शन का देख लेते हैं, तो लॉन्ग डायरेक्शन के लिए भी हमें नंबर ऑफ बार्स निकालना होगा। तो लॉन्ग डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 2485 पे है, तो 2.485 डिवाइडेड बाय लॉन्ग डायरेक्शन की स्पेसिंग हमारी कितनी है 200, तो डिवाइडेड बाय 0.200, तो ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 13 बार्स। तो ठीक उसी प्रकार हम इसका भी लेंथ निकालेंगे, लॉन्ग डायरेक्शन में जो हमारा बार है इसका भी लेंथ वैसे ही निकालेंगे, बट इसमें क्या है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा दिया हुआ है स्लैब S1 के लिए 200, यानी कि स्पेसिंग इसकी 200 दी हुई है। तो लॉन्ग डायरेक्शन में हम देख लेते हैं कितना डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है, तो उस हिसाब से हमारा है 13 बार्स। हमें इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा
टोटल हमारा ये 300 का बीम है, इसमें से हम कवर को माइनस करेंगे 25 mm को, अब प्लस 0.1 ऑफ एल हम ये एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ। ठीक उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा हमारा ए, ये भी हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा एज इट इज 0.075 mm है, ये ड्राइंग में मेंशन है, आप ड्राइंग को पीछे जाके देख सकते हैं दोबारा से। प्लस 300 के बीम में से अगर हम कवर माइनस करें तो 275 mm इसका, प्लस 0.1 ऑफ एल, और एल हमारे यहाँ कितना है 4260। तो हमारा जो लेंथ निकल के आएगा वो आएगा 0.776 meters। अब हम वेट निकाल लेते हैं, तो वेट इज इक्वल टू 8² / 162 इंटू 0.776 इंटू नंबर ऑफ बार्स हमारे पास कितना है 29। बट एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, तो टॉप बार जो हमारा लॉन्ग डायरेक्शन में दोनों साइड सेम तरीके से है क्योंकि दोनों साइड हमारा एंड भी में, तो इसे हम इंटू टू कर लेंगे। तो टोटल वेट जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 7.86 किलोग्राम्स। अब S1 का टॉप रिइंफोर्समेंट हो गया था, बारी आती है S2 की। अब S2 का टॉप रिइंफोर्समेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी भी स्पेसिंग पता करनी होगी। तो स्पेसिंग हमारी कितनी दी हुई है टॉप रिइंफोर्समेंट के S2 की, 175 सेंटर टू सेंटर। तो हमें नंबर ऑफ बार्स निकालने होंगे, तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4260 / 175, क्योंकि यहाँ हमारा जो शॉर्ट डायरेक्शन में स्पेसिंग दिया हुआ टॉप में वो दिया हुआ 175, तो हमें टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने मिलेंगे, 25 बार्स। अब हमारी बात है हमारे लेंथ निकालने की, तो S2 का जो हमारा शॉर्ट डायरेक्शन में है, ये हमारा शॉर्ट डायरेक्शन के लिए चल रहा है, तो शॉर्ट डायरेक्शन में हमारा ये येलो वाला जो है हमारा शॉर्ट, सॉरी ये हमारा ये जो है हमारा ये शॉर्ट डायरेक्शन में है, तो हम इसकी लेंथ निकालते हैं। इसकी लेंथ क्या होगी, हमारी टोटल बीम की लेंथ माइनस जो हमारा कवर है प्लस ये जो हमारा एक्सटेंशन है 0.1 L का, तो इसे हम एड ऑन कर देंगे तो हमारा टोटल लेंथ निकल जाएगा। तो लेंथ हमारा वही होगा एज इट इज, ये भी एल शेप में बनेगा, ये ए रखेंगे हम, इसको रखते हैं बी, तो एज इट इज है आपको पता है 0.075 मीटर और 75 mm प्लस, क्योंकि ये जो हमारा 230 का बीम है तो इसमें से हम 25 कवर माइनस कर देंगे तो 0.205 मीटर्स हमारा इसका लेंथ मिल जाएगा, प्लस 0.1 ऑफ एल, और एल है हमारे यहाँ पर 2.485, तो टोटल लेंथ हमारा निकल के आ गया 0.528 मीटर्स। तो जब हमारा लेंथ निकल गया तो हम वेट निकाल लेते हैं, वेट इज इक्वल टू 8² / 162 इंटू 0.528 इंटू नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने हैं 25, यहाँ हमने निकाल रखा था 25 बार्स, तो टोटल वेट हमारा कितना आ गया 5.14 किलोग्राम्स। ये हमारा आ गया शॉर्ट डायरेक्शन के लिए। लॉन्ग डायरेक्शन के लिए हमारा एज इट इज जैसा हमने पहले निकाला था S1 के लिए, वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन S2 के लिए भी दिया हुआ है 8 @200 सेंटर टू सेंटर, हमारा S1 में भी यही था, बट एक बार फिर भी हम देख लेते हैं लॉन्ग डायरेक्शन के लिए। लॉन्ग डायरेक्शन के लिए स्पेसिंग देख लेते हैं, स्पेसिंग हमारा 200 दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर, तो नंबर ऑफ बार्स हमारा कितना आ जाएगा 2485 / 200, तो नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा हमारा 13। तो इसकी लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ इज इक्वल्स टू वही होगा हमारा ये होगा, इसको हम बी ले लेते हैं, तो 0.075 मीटर्स प्लस बी के लिए हम वही करेंगे, 300 की हमारी बीम है इसमें से हम 25 कवर माइनस करेंगे प्लस ये जो हमारा एक्सटेंशन है, तो यानी कि 0.275 + 0.1 L, L हमारे यहाँ पे कितना है 4260, तो हमारा लेंथ कितना आ जाएगा 0.776 मीटर्स। अब हम वेट निकाल लेते हैं लॉन्ग डायरेक्शन में जो हमारा टॉप एनफोर्समेंट है उसका, तो वेट इज इक्वल टू 8² / 162 इंटू 0.776 इंटू नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने निकल के आए हैं 13, तो इंटू 13 कर देंगे हम, क्योंकि ये दोनों साइड में सेम डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इंटू 2 कर देते हैं, तो हमारा टोटल दोनों साइड का लॉन्ग डायरेक्शन का हमारा वेट निकल के आ जाएगा, वो आएगा 7.86
किलोग्राम्स। तो हमने टॉप रेनफोर्समेंट का शॉर्ट डायरेक्शन और लॉन्ग डायरेक्शन S1 S2 को निकाल लिया, बट ये हमारा ये इंटरमीडिएट रह गया। तो इसे हम अब देखते हैं कि इंटरमीडिएट में जो हमारे बीम के ऊपर जो टॉप रेनफोर्समेंट आ रहा है, जो कि स्लैब S1 और स्लैब S2 दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसका वेट कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इंटरमीडिएट स्लैब का वेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्पेसिंग निकालनी होगी। बट स्पेसिंग हम किसकी फॉलो करेंगे, या S1 की करेंगे या S2 की करेंगे। तो जिसकी स्पेसिंग कम होती है हम उस स्पेसिंग को ही फॉलो करते हैं इंटरमीडिएट बीम्स पे। तो यहाँ पे हमारा 150 सेंटर टू सेंटर टॉप एनफोर्समेंट S1 का है, तो हम इसे ही फॉलो करेंगे, ना कि 175 को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं कि स्लैब टॉप रेनफोर्समेंट एट इंटरमीडिएट बीम। दो स्लैब के बीच में जो इंटरमीडिएट बीम है उस पर जो हमारा शॉर्ट डायरेक्शन में बीचेगा, इन शॉर्ट डायरेक्शन, तो उसको हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ बार्स कितने लगेंगे हमारे टोटल। तो नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हम 150 स्पेसिंग फॉलो कर रहे हैं, तो डिस्टेंस भी हम यही फॉलो करेंगे 4260। तो हम 4260 डिवाइडेड बाई 150 करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे, 29 बार्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे कि ये इस बीम को मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारा बीम है, तो स्लैब S1 का 0.15 ऑफ L प्लस बीम की विड्थ प्लस 0.3 ऑफ S2, फिर वैसे ही 0.3L ऑफ S1 प्लस बीम की विड्थ प्लस 0.15L ऑफ S2, अगर आपका इधर S2 है और इधर S1 है तो ये हमारा इस तरह से बार निकल के आएगा जो हमारा अल्टरनेट दोनों डायरेक्शन में बीचेगा। तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है, तो वो मान लेते हैं कि बीम बीच में हमारा 300 mm का है, तो क्या करेंगे हम इधर 0.15 ऑफ 2485 लेंगे, तो वो हमारा आएगा 0.372 प्लस ये हमारा 300, और 0.3 ऑफ 2485 करेंगे तो हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.745 मीटर्स। और वैसे ही हम अगर अल्टरनेट में जो बिछा रहे हैं तो उसकी देखें तो ये भी 0.15 ऑफ 2, क्योंकि दोनों साइड जो स्लैब का डायमेंशन है ना वो बिल्कुल सेम है, तो ये बिल्कुल ही सेम आएगा 0.15 और 0.3 दोनों साइड में। तो इस तरह से हमें टोटल लेंथ जो मिलेगा इसका 1.417 मीटर मिलेगा, और इसका भी लेंथ हमें मिलेगा 1.417 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम टोटल स्लैब S1 प्लस S2 दोनों का एक साथ ही निकाल सकते हैं शॉर्ट डायरेक्शन में, जो हमारा रेनफोर्समेंट इंटरमीडिएट बीम्स पे है। तो उसके लिए वेट हम निकालते हैं 8 स्क्वायर अपॉन 162 इंटू 1.417 इंटू नंबर ऑफ बार्स हमारे कितने निकल के हैं, 29। तो 29, तो टोटल वेट हमारा आ गया 16.02 किलोग्राम। तो इस तरह से हमने टोटल वेट जो भी हमारा स्लैब रेनफोर्समेंट में यूज हो रहा है, स्लैब S1 और S2 को मिलाकर, टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट को मिलाकर, वो हमने देख लिया। तो एक एक करके हमने टोटल वेट जो है हमारे रेनफोर्समेंट को हमने निकाल लिया। तो हम उसके टेबुलर फॉर्म में या रिजल्ट हम टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल हमारा वेट कितना आया। तो सबसे पहले हम स्लैब S1 का लिखते हैं, स्लैब S1 का बॉटम रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट इन शॉर्ट डायरेक्शन। तो शॉर्ट डायरेक्शन में हमारे दो वेट निकल के आए थे 15.88 किलोग्राम मेन बार का, और कटेड वाल का आया था 8.13। तो टोटल वेट हमारा हो गया 24.01 किलोग्राम। इसी तरह से हमारा लॉन्ग डायरेक्शन का बॉटम रेनफोर्समेंट इन लॉन्ग डायरेक्शन, तो हमारा मेन बार का वेट आया था 12.44 किलोग्राम प्लस 6.98 किलोग्राम हमारा आया था कटेड बार का, ये हो गया हमारा 19.42 किलोग्राम। ठीक उसी प्रकार हम बॉटम रेनफोर्समेंट देख लेते हैं स्लैब S2 का, तो वो भी देखते हैं शॉर्ट डायरेक्शन का। इसका मेन बार का वेट आया था हमारा 13.76 किलोग्राम, और कटेल्ड का आया था हमारा 6.97 किलोग्राम। तो ये टोटल वेट हो गया हमारा 20.73 किलोग्राम। उसी प्रकार हम लॉन्ग डायरेक्शन का देख लेते हैं बॉटम रेनफोर्समेंट इन S2, तो ये हमारा आया था 12.44 किलोग्राम प्लस कटेल्ड का आया था हमारा 6.98 किलोग्राम, ये टोटल वेट हो गया हमारा 19.42 किलोग्राम। अब हम बात कर लेते हैं टॉप रेनफोर्समेंट की।
तो टॉप रेनफोर्समेंट हम S1 की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा शॉर्ट डायरेक्शन में टोटल वेट आया था हमारा 5.97 किलोग्राम्स, और लॉन्ग डायरेक्शन में जो हमारा टोटल वेट आया था दोनों साइड को मिला के वो आया था 7.86 किलोग्राम्स। वैसे स्लैब S2 की बात कर लेते हैं, टॉप रेनफोर्समेंट शॉर्ट डायरेक्शन में हमारा वेट आया था 5.14 किलोग्राम्स, और लॉन्ग डायरेक्शन में हमारा वेट आया था 7.86 किलोग्राम्स, और जो हमारा इंटरमीडिएट पोर्शन पे आया था स्लैब S1 प्लस S2 का मिला करके, तो उसका वेट आया था हमारा टोटल 16.02 किलोग्राम्स। तो जब आप सारे वेट्स का टोटल करोगे तो आपको एज अ रिजल्ट जो टोटल वेट मिलेगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 126.43 किलोग्राम्स। तो ये हमारा रिजल्ट है, टोटल स्लैब रेनफोर्समेंट में हमारा जो वेट निकला वो 126.43 किलोग्राम्स आया। तो हमारा इस तरह से बार बेंडिंग शेड्यूल जो वो स्लैब का कंप्लीट हुआ, और टोटल वेट जो हमने निकाला 126.43 निकाला। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपके बार बेंडिंग शेड्यूल के प्रिपरेशन करने में आपकी हेल्प की हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे पहले बार बेंडिंग शेड्यूल से रिलेटेड मैंने 3 वीडियोज़ और बनाई हुई हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या सिविल इंजीनियर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज।